साफ होना। ये थाना हसनगंज जनपद उन्नाव पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा गुटबंद किया गया है, और जैसा आप देख रहे हैं कि असलाह बनाने की एक पूरा कारखाना बरामद किए जाने में कामयाबी हासिल किया है, और इनमें जो मुलजिम गिरफ्तार किया गया है वो बच्चू उर्फ मस्ताना, ये थाना माखी का रहने वाला है, और हसनगंज में रामकिशन की बगिया के बगिया में ये टोटल पूरा फैक्ट्री लगा करके एक तमंचे बनाने का काम करता था, और जो मौके पे बरामद हुआ उनमें 315 बोर के कट्टा और 312 बोर के कट्टा और कारतूस और पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है। कई अधमने असलाह हैं और कई एक उपकरण हैं जिन जो इसके असलाह बनाने के में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जैसा पूछताछ में बताया है कि ये 3,000 से लेके 3,500 रुपए के बीच में जो भी कोई क्रिमिनल रहते थे उनको एक इसके द्वारा सप्लाई किया जाता था, और इनमें हरदोई हुआ और उन्नाव हुआ, ये आसपास के जनपदों के जो जिनको जानकारी है वो इसके कस्टमर से खरीद के ले जाते थे, और ये रिकवरी बड़ी रिकवरी है, पुलिस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रिकवरी है, और महत्ता इस कार्ड से और भी ज़्यादा है। नंबर एक तो चुनाव आने को है, नंबर दूसरा ये कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है, इधर आप देख ही रहे कि लखनऊ और इसके आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही है उनमें ये ज़्यादातर घटनाओं में आपराधिक घटनाओं में 315 बोर के देसी असलाह कंटीमेट इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, जो गिरफ्तार किया गया है इसके इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पूर्व में थाना माखी से 302 के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और बाकी अन्य इसके पहले भी इसके शस्त्र फैक्ट्री में ये गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, तो जो टीम पकड़ी है उसके द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है। 10,000 रुपये का हम इन टीम को इनाम देते हैं, और इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट के तहत में कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग जॉब ऑफ द हसनगंज पुलिस डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। थैंक यू। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, अब तक कितने तमंचे बने हुए बेचे गए हैं इसके द्वारा? ये इनको खुद ध्यान नहीं है कितना बेचा हुआ, ये जरूर ये बता रहा है कि हरदोई हुआ, आसपास के जो भी जिसको जरूरत होती थी वो इनके अपने सेट कस्टमरों आकर के अपना ले जाते थे, इसको खुद नहीं मालूम कि कितने इसने तमंचे बनाए कितने बेचे, लेकिन जिस तरीके से जिसका जितना इसका ये देखने में लग रहा है उस हिसाब से आप आकलन खुद कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये अपना ये बिजनेस अपना चला रहा है।